तौफीक दे। लोग कभी कभी मुझसे नाराज भी होते हैं कि नसीब भाई बड़ी बेबाकी के साथ बोलते हैं, जो बोलना है मुंह पे बोल देते हैं। अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया कि मेरा जो अंदाज है हजरत ने मोहर लगा दी, वही सही अंदाज है। हद बात करना, सामने करना, मुंह पे करना और बेबाकी के साथ नुमाइंदगी करना, चाहे कितनी भी बड़ी दुनिया की ताकत हो उसके सामने बिल्कुल ना डरना, हिजक ये करना। और यही मैंने 20 साल से किया है। आप सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे खैर ख्वाह हैं, सभी जितने भी यहाँ बैठा हुआ, एक एक फर्द, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, आप सारे लोगों ने 20 साल नसीम खान की जिंदगी देखी है, सियासी जिंदगी देखी है, दीनी जिंदगी देखी है और दुनिया की जिंदगी भी देखी है, सारी चीज को भी किताब की तरह। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ इलेक्शन के कैंपेन में कि 5 साल के बाद जब असेंबली का इलेक्शन आता है तो नॉमिनेशन में जरूर फाइल करता हूँ, लेकिन इलेक्शन मेरे इलाके के मेरे बुजुर्ग नौजवान लड़ते हैं। ये लड़ते इनकी दुआएं, इनकी मेहनत, इनकी ताकत और इनका इतिहाद मुझे कामयाबी हासिल दिलाता है, कामयाबी दिलाता है। 2014 हम भूल नहीं सकते, कोई भी भूला नहीं होगा। सुनामी चल रही थी महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क में बड़ी सुनामी, गुजरात वाले बाबा की सुनामी चल रही, लोग बेचैन थे, बुजुर्ग नौजवान सवादी माँ बहने घरों में, रुकड़ों पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे लोग कहते थे और सबके माथे पर लकीरें पड़ गई थी, बेचैनियाँ थी कि नसीब भाई का क्या होगा। तो लहर चल रही है।